गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। सो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने सीआर इक्वेशन डिराइव की थी, सीआर इक्वेशन या नेसेसरी कंडीशन देखी थी हमने किसी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए। क्या थी नेसेसरी कंडीशन? आवश्यक प्रतिबंध कि वो फंक्शन सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। सीआर इक्वेशन क्या थी? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू एक्स इज इक्वल टू बी वाई, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई लिख सकते हैं इसको, या यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। यू वाई कितना? डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ये दो कंडीशन होनी चाहिए तो वो हमारी क्या होगी? सीआर इक्वेशन। अब कोई फंक्शन अगर एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ये नेसेसरी कंडीशन थी। अब हम देखेंगे सफिशियंट कंडीशन, किसी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए सफिशियंट पर्याप्त कंडीशन। मतलब अगर हमें कोई कंडीशन ऐसी मिल जाए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तब हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन था वो एनालिटिक या विश्लेषिक होगा। ओके, सो ये देखते हैं हमारा प्रतिबंध क्या है। प्रतिबंध क्या कहते हैं हमारा? सफिशियंट कंडीशन। यह पर्याप्त प्रतिबंध, ये हमारी है नेक्स्ट थ्योरम नंबर थर्ड। ये क्या कहती है? फलन हमने कोई फंक्शन लिया w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, के किसी प्रांत या डोमेन, किसी प्रांत डोमेन डी में विश्लेषिक होने के लिए या एनालिटिक होने के लिए, एनालिटिक होने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध, पर्याप्त प्रतिबंध क्या है हमारा? पर्याप्त प्रतिबंध कि u एंड v, u क्या? रियल पार्ट, v इमेजिनरी पार्ट था, जो u एंड v के आंशिक अवकलज पार्शियल डेरिवेटिव क्या होंगे? संतत, आंशिक अवकलज संतत। तथा निम्न सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, या कोशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई या संतुष्ट करते हैं। क्या थी हमारी सीआर इक्वेशन? कि डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई माइनस दिस। मतलब अगर कोई भी फंक्शन हमारा एनालिटिक होना है, हमें दिखाना है कि वो एनालिटिक होना चाहिए, उसके लिए पर्याप्त प्रतिबंध क्या है? कि u और v उसके आंशिक अवकलज मतलब पार्शियल डेरिवेटिव, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई एंड डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, ये चारों क्या है? आंशिक अवकलज, मतलब u के एंड दोनों v के क्या है? संतत, कंटिन्यू होनी चाहिए, मतलब साथ ही साथ कंटिन्यूज एंड वो होंगे एग्जिस्ट होंगे चाहिए। कंटिन्यूज का मतलब एग्जिस्ट भी तो होता है, अगर कंटिन्यूज है इसका मतलब एग्जिस्ट तो ऑब्वियसली है ही, विद्यमान है, तभी तो कंटिन्यूज होंगे। ये चारों कंटिन्यूज एंड सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तब हम कह देंगे कि पर हमारी पर्याप्त प्रतिबंध है। ये क्या होगा? ये हमारा विश्लेषिक फलन। ओके, सब हम इसका प्रूफ देखते हैं। देखो हमें क्या देखना है विश्लेषिक फलन होने के लिए, एनालिटिक फंक्शन होने के लिए, एफ डैश जेड लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन में डेल्टा जेड, यही निकालना होता है हमें। फंक्शन एफ डैश जेड था जो, उसकी लिमिट ये आनी चाहिए, मतलब कोई भी हम आर्बिट्रेरी पॉइंट, हमें क्या है प्रांत डी, मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया हमने डी डोमेन का, उसके हर पॉइंट पर ये लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, तब हम क्या कहते हैं वो फंक्शन एनालिटिक होगा। हर पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट होगी तो अवकलनीय होगा हर पॉइंट पर, अगर हर पॉइंट पर अवकलनीय हो गया प्रांत डी के, तो हम क्या कहते थे फंक्शन एनालिटिक।
मतलब अल्टीमेटली हमें ये दिखाना है, ये लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए एफ डैश जेड की, देन तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सो इसका हम प्रूफ निकालते हैं। देखो सबसे पहले हमें एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड इसको लिखते हैं। अब इसकी वैल्यू इसके अंदर यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जेड के अंदर डेल्टा जेड चेंज हो रहा है तो एक्स के अंदर डेल्टा एक्स, वाई के अंदर डेल्टा वाई चेंज, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस सॉरी प्लस आयोटा एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, यही होगा। ये ठीक है, जेड के अंदर डेल्टा जेड चेंज तो एक्स के अंदर डेल्टा एक्स, वाई के अंदर डेल्टा वाई चेंज। अब देखो ये हमने पहले भी तो किया था, इससे पहले वाली इक्वेशन में भी, मतलब नेसेसरी कंडीशन में भी हमने यही लिखा था ना, यही वाली टर्म। अब आप सबने टेलर थ्योरम पढ़ी होगी रियल एनालिसिस में, टेलर थ्योरम फॉर टू वेरिएबल या दो वेरिएबल्स के लिए क्या कहती थी टेलर थ्योरम, एफ ओ एक्स प्लस एच वाई प्लस के, ये लिखा था हमने, मतलब एक्स और वाई दो वेरिएबल है, उसके अंदर कुछ एक्स के अंदर कुछ चेंज एच, वाई के अंदर कुछ चेंज के, तो टेलर थ्योरम से एफ ओ एक्स वाई प्लस एच डेल एफ डी वाई डेल एक्स प्लस के डेल एफ डी वाई डेल वाई, ओरिजिनल फंक्शन, फिर पार्शियल डेरिवेटिव मतलब वन ऑर्डर का एंड प्लस आगे सेकंड ऑर्डर का, हायर ऑर्डर के लिखते थे ना, हायर ऑर्डर। अब यहाँ हम क्या करें, हायर ऑर्डर के टर्म को मतलब इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू बिल्कुल छोटी छोटी आएगी, जैसे कि टेलर थ्योरम का हम यूज़ कब करते हैं, अप्रोक्सीमेशन के लिए, अप्रोक्सीमेशन के लिए, जैसे कि हम लिखते हैं ना अगर 2.99999 है, इसको अप्रोक्सीमेट करके हम 3 मान लेते हैं ना, वैसे ही हायर ऑर्डर को हम इग्नोर करके, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए हम यूज़ करते हैं इसका, अप्रोक्सीमेशन के लिए। अब देखो ये हमारी रियल के लिए थी, अब यहाँ पे यू और जो वी है, आयोटा को अगर हटा दिया जाए, यू और वी रियल फंक्शन है हमारे, इनके ऊपर हम ये वाली थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, टेलर थ्योरम, टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट ये है हमारा। अब देखो अप्लाई कैसे करेंगे इसको हम, हमारा इसके अंदर u, f की जगह हमारा फंक्शन u, x प्लस डेल्टा x, h की जगह हमारा डेल्टा x, फिर y, डेल्टा y की जगह, k की जगह हमारा आ गया डेल्टा y। अब इसके ऊपर अप्लाई कैसे, f की जगह मतलब ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स वाई, अब यहाँ u x y प्लस एच की जगह डेल्टा एक्स, डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, प्लस के की जगह डेल्टा वाई, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे के था तो हमने डेल्टा वाई लिख लिया, तो डेल्टा वाई डेल एफ अपॉन में डेल वाई। वैसे आपके बुक में अलग प्रूफ दिया हुआ है बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता, इसलिए हम थोड़ा ईजी प्रूफ कर रहे हैं, ओके जो आपको समझ आ जाए मतलब ईजीली। ये टर्म हायर ऑर्डर को हम नहीं लिखेंगे, इग्नोर करेंगे, यू की वैल्यू आ गई है। अब जैसे यू के लिए वैसे ही वी के लिए भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, तो फिर ओरिजिनल फंक्शन मतलब वी एक्स वाई, अब एच की जगह डेल्टा एक्स, डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, प्लस के की जगह डेल्टा वाई, डेल एफ अपॉन में डेल वाई, ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आ गई। अब इनकी वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, सॉरी एफ नहीं आएगा यहाँ क्योंकि हमारा फंक्शन तो यू था ना, तो यू आएगा यहाँ भी, यू यहाँ क्या था हमारा वी, तो यहाँ पर वी और यहाँ पर भी वी आएगा, डन। अब इक्वेशन टू और थ्री को
इक्वेशन टू और थ्री का मान कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन वन में पुट करने पर, वन में पुट करने पर डन। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड। अब यहाँ यू एक्स वाई की जगह हमारे पास ये वैल्यू आ गई प्लस दिस डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वाई डेल यू बाई डेल वाई एंड प्लस, अब देखो आयोटा एंड यहाँ आयोटा से अगर मल्टीप्लाई ही कर दें साथ के साथ, साथ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वी एक्स वाई प्लस आयोटा डेल्टा एक्स डेल वी बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई डेल वी बाई डेल वाई, ये टर्म आ गई हमारी। अब यहाँ पे अगर हम u और v को ऐसे लिखे अलग अलग, यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, अब x वाली टर्म को अलग अलग लिखा अगर हमने, मतलब डेल्टा x यहाँ से कॉमन लेना चाह रहे हैं हम, अगर डेल्टा x कॉमन लिया हमने यहाँ से, क्या बचा? डेल u बाई डेल x। हर एक स्टेप लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, ये तो समझ ही रहे हैं। पहले हमने u और v इनको इकट्ठा, अब ये वाली और ये वाली टर्म, डेल्टा x कॉमन लिया प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स, अब यहाँ डेल्टा वाई कॉमन लिया हमने तो डेल यू बाई डेल वाई, मतलब वाई की टर्म इकट्ठी आयोटा डेल वी बाई डेल वाई, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू? एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू आई हमारे पास ये। अब देखो जो हमारा, हमें क्या दिया हुआ है? सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है हमारा फंक्शन। अब सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो डेल यू बाई डेल एक्स कितना? डेल वी बाई डेल वाई। अब डेल वी बाई डेल वाई की जगह हम डेल यू बाई डेल एक्स नहीं लिख सकते, एंड फिर डेल यू बाई डेल वाई की जगह डेल वी बाई डेल एक्स। इन देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, इनको x की टर्म में रिप्लेस करना चाह रहे हैं फंक्शन को, जैसे कि डेरिवेटिव था x में, ये डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिख सकते हैं ना, ये इसके इक्वल होता है क्योंकि y वाले टर्म को x में, इस y वाली टर्म को इसके इक्वल। तो अगर हम पुट करें इक्वेशन फोर्थ में, हम सी आर इक्वेशन पुट करना चाह रहे हैं, इक्वेशन फोर्थ में सी आर इक्वेशन पुट करने पर या सी आर इक्वेशन से वैल्यू रखने पर, सी आर इक्वेशन यूज करने पर क्या मिलेगा हमें? एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, देखो ये क्या है हमारा, एफ ऑफ जेड नहीं है, यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स, अब प्लस डेल वाई डेल यू बाई डेल एक्स को क्या, डेल यू बाई डेल वाई को क्या लिख सकते हैं? माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई को क्या लिख सकते हैं हम? डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई को लिखा हमने ये, और डेल वी बाई डेल वाई को लिखा हमने ये डेल यू बाई डेल एक्स। अब देखो अगर हमने यहाँ से आयटा कॉमन ले लें, क्यों? क्योंकि हम ये देखो ये दोनों टर्म सेम नहीं लग रही, इसमें भी डेल यू बाई डेल एक्स है डेल वी बाई डेल एक्स, अब इसमें भी डेल यू बाई डेल एक्स एंड डेल वी बाई डेल एक्स है, बट आयोटा का टर्म है ना एक्स के अंदर एक्स्ट्रा, यहाँ पे आयोटा डेल यू बाई डेल एक्स के साथ नहीं है बट यहाँ इसके साथ है, हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, अगर यहाँ ये टर्म तो एज इट इज, यहाँ अगर आयोटा कॉमन लेना चाहें क्या बचेगा? डेल यू बाई डेल एक्स, आयोटा कॉमन लिया मतलब वन बाय आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स,
और ये टर्म तो वैसे ही, इसको इधर ले सकते हैं ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड। इधर क्यों ले रहे हैं, अभी देखो हमने क्या ये लिखा था ना, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड, हमने इसकी लिमिट अपॉन में डेल्टा जेड, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करवानी है, तो इस माइनस दिस करना पड़ेगा हमें। हम एफ डैश जेड बनाना चाह रहे हैं यहाँ से कि हमें ये वाली पूरी वैल्यू मिल जाए। ओके, सो ये मिल गया डेल्टा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स दिस। अब देखो वन बाय आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा अपॉन में माइनस वन, और अगर माइनस होता आगे तो आयोटा हो गया, मतलब माइनस वन बाय आयोटा को हम लिख सकते हैं आयोटा, माइनस वन बाय आयोटा को आयोटा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से ये टर्म आ गई हमारी प्लस आयोटा डेल वाई, और यहाँ डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स। अब देखो ये वाली और ये वाली टर्म सेम है, कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। अगर हमने कॉमन लिया इसको आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स, क्या मिला डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, ये इसके इक्वल। अब आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स, अब ये डेल जेड नहीं है, डेल जेड इज इक्वल टू डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, तो यहाँ हम डेल जेड लिख सकते हैं, इक्वल में क्या था थी यही। अब अगर इसको माइनस एफ ऑफ जेड, अब इसको अपॉन में नहीं कर सकते, इसके अपॉन में लिख दिया हमने डेल्टा जेड, इक्वल क्या बचा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल वाई, सॉरी। अब दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें एफ डैश जेड निकालना है, अगर लिमिट लिखी हमने डेल जेड टेंस टू जीरो जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन में डेल जेड, ये किसके इक्वल आया एफ डैश जेड के, ये किसके इक्वल आया डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स, डन। अब देखो हमें क्या दिखना था, ये एग्जिस्ट होना चाहिए। अब देखो हमें दिया हुआ है ये इसके इक्वल, और ये क्या है आंशिक अवकलज है ना u और v के, u का आंशिक अवकलज विद रिस्पेक्ट टू x, v का आंशिक अवकलज विद रिस्पेक्ट टू x, दिया हुआ है हमें कि वो संतत हैं कंटिन्यूस, इसका मतलब वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है सम भी एग्जिस्ट होगा, अगर ये एग्जिस्ट है इसका मतलब जो हमारा डेरिवेटिव था f का वो भी एग्जिस्ट हो जाएगा। अगर ये एग्जिस्ट होगा तो इसका मतलब क्या पता चला हमें, u एंड v, देखो ऐसे लिख लो डेल यू बाई डेल एक्स एंड डेल वी बाई डेल एक्स कंटिन्यूज एंड एग्जिस्ट हैं, इसका मतलब f डैश जेड क्या हुआ हमारा एग्जिस्ट हो गया, एफ डैश जेड एग्जिस्ट हो गया, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा फंक्शन था एफ डैश जेड हमारा एनालिटिक हो गया। एनालिटिक होने के लिए जो हमारा फंक्शन था उसका हर पॉइंट पर अवकलनीय होना चाहिए। अब लिमिट इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है हर पॉइंट पर, डोमेन के हर पॉइंट पर, इसका मतलब जो हमारा फंक्शन था हर पॉइंट पर अवकलनीय है, इसका मतलब हर पॉइंट पर वो विश्लेषिक एनालिटिक हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा फंक्शन एनालिटिक मिल गया डोमेन के हर पॉइंट पर। यही तो हमें दिखाना था कि अगर हमारा फंक्शन है सीआरई, मतलब वो पर्याप्त प्रतिबंध दिखाना था सफिशियंट कंडीशन, अगर हमारा फंक्शन के आंशिक अवकलज संतत है कंटिन्यूस एंड सीआरई इक्वेशन सेटिस्फाई है तब हम कहेंगे कि पर्याप्त प्रतिबंध है। देखो नेसेसरी में हमने क्या किया था, नेसेसरी और पर्याप्त आपस में एक दूसरे के वो कन्वर्स होते हैं, रिवर्स। नेसेसरी मतलब ये, पर्याप्त मतलब ये, सफिशिएंट।
देखो अब पहले हमने क्या किया था, नेसेसरी कंडीशन, अगर वो विश्लेषिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बट अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है ना तब नहीं कह सकते हम कि वो एनालिटिक होगा, क्योंकि सी आर इक्वेशन के साथ एक और कंडीशन जरूरी है हमारे पास, यहाँ आंशिक अवकल संतत हैं, सिर्फ सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होने से नहीं कहा हमने। देखो अगर यहाँ ओनली सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होती तो ये जो आंशिक अवकलज थे वो कंटिन्यूज नहीं होते, अगर अगर माना कंटिन्यूज नहीं होते तो ये हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो पाती, मतलब एफ डैश जेड था जो हमारा वो एग्जिस्ट नहीं हो पाता, तब नहीं कह सकते थे कि वो हमारा एनालिटिक फंक्शन हो। मतलब पर्याप्त प्रतिबंध के लिए जो यू और वी के आंशिक अवकलज पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होने चाहिए, साथ के साथ सी आर इक्वेशन कॉशी रिमान इक्वेशन एग्जिस्ट होनी चाहिए या सेटिस्फाई करनी चाहिए कोई फंक्शन के लिए, तभी हम कहेंगे कि वो हमारा एनालिटिक फंक्शन होगा। तो यहाँ हमने टेलर थ्योरम का यूज़ किया है। टेलर थ्योरम क्या आती है हमारी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के इज इक्वल टू एफ एक्स वाई प्लस एच डेल एफ डिवाइड डेल एक्स प्लस के डेल एफ डिवाइड डेल वाई प्लस हायर ऑर्डर को इग्नोर करेंगे। एंड ये अब फंक्शन के लिए थी तो यू और वी के लिए भी हम लिख सकते हैं। अब इनकी वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करी तो फिर आयोटा वाली टर्म को अलग अलग, इसको इसको अलग, फिर यू एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं उसको अलग, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव उसको अलग, फिर यहाँ सी आर इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। सी आर इक्वेशन का यूज़ किया फिर उसके बाद इसको हम लिख सकते थे ये एफ ऑफ जेड, अब यहाँ वन बाई आई हम क्या बनाना चाह रहे हैं, यही सेम टर्म, इसलिए हमने यहाँ पे इनको इकट्ठा कर लिया, फिर हमने आगे सॉल्व कर लिया। सो ये हो गया हमारा पर्याप्त प्रतिबंध। अब हमने प्रूफ तो कर लिया बट हमें इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या मिला कि हमारे अगर यू और वी रियल और इमेजनरी पार्ट थे किसी फंक्शन के, उनका पार्शियल डेरिवेटिव अगर कंटिन्यूस है एंड सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई है तब हम कह सकते हैं कि वो एनालिटिक होंगे, एंड नेसेसरी कंडीशन में फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। सो हमने नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन दोनों देख चुके हैं सेकंड एंड थर्ड थ्योरम में। अगर आप बुक के मेथड से करना चाहो तो उससे कर लो, उससे समझ आता है तो, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कंटिन्यूसिटी की डेफिनेशन अलग वे में करनी पड़ती है, तो ये वाला डेरिवेटिव थोड़ा ईजी हो जाएगा, इसलिए इससे करवाया है आपको। तो जो ये दोनों थ्योरम्स हैं इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं ये, इनफैक्ट इनका एग्जाम में डायरेक्ट प्रूफ भी पूछ लेते हैं, और जो ये थ्योरम के स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जाम्पल्स में भी यूज़ होते हैं। ओके सो इनको अच्छे से देख लेना एंड स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझिएगा, जैसे कि समझाया गया आपको। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।